बच्चों अब अगला टॉपिक करने जा रहे हैं एरर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा टॉपिक है एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं एरर इन केस ऑफ एडिशन। एरर इन केस ऑफ एडिशन, सपोज करो आपके पास एक वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.5। वैल्यू 10 है, उसमें 0.5 की अनसर्टिनिटी है, 0.5 ज्यादा या 0.5 कम हो सकती है। ओके एक और वैल्यू है बी, वो है 5 प्लस माइनस 0.5, उसकी वैल्यू 5 है और उसमें अनसर्टिनिटी 0.5 की है। ओके अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, 10 में 0.5 ज्यादा 10.5 या फिर 10 में से 0.5 कम 9.5, 5 में से 0.5 ज्यादा यानी 5.5 या फिर 0.5 कम यानी 4.5। अब अगर आपको a प्लस बी निकालना है बेटा तो a प्लस बी की चार पॉसिबिलिटी होंगी। क्या? एक ये कि आप दोनों की बड़ी वाली वैल्यू ऐड करें, 10.5 और 5.5 ऐड करके 16 कर दें। दूसरा 10.5 में 4.5 ऐड कर लें तो 10.5 और 4.5 ऐड होके 15 हो जाएगा। 9.5 में 5.5 ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और 9.5 में 4.5 ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, राइट? तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 16 आई है और कम से कम वैल्यू 14 आई है। इसका मतलब a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 16 और मिनिमम वैल्यू 14 होगी। a प्लस बी की वैल्यू 14 से लेकर के 16 के बीच में है, 14 उसकी मिनिमम वैल्यू है, 16 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? अब ये इस तरह से सॉल्व ना करके हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम a प्लस बी ऐड करेंगे, a और b को ऐड करेंगे, 10 और 5 को ऐड करेंगे 15, साथ में जो उनकी अनसर्टिनिटीज हैं वो भी ऐड हो जाएंगी, 0.5 प्लस 0.5 ये आ गया 15 प्लस माइनस 1, तो वही आ रहा है 15 प्लस 1 मतलब 16 और 15 माइनस 1 मतलब 14। तो इसका मतलब ये है अगर आपको दो क्वांटिटीज को ऐड करना है तो आप उनकी वैल्यूज को ऐड कर लो, साथ में उनकी अनसर्टिनिटीज को भी ऐड कर लो, सिंपल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। आप दोनों टेम्परेचर्स को अगर ऐड करना चाहते हो तो 10 और 20 30 डिग्री सेल्सियस, साथ में आप उनकी अनसर्टिनिटीज को भी अंधाधुन ऐड कर दो। तो एरर इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज में क्या करना है, उन क्वांटिटीज की वैल्यूज को ऐड कर देना है और साथ में उनकी अनसर्टिनिटीज को भी ऐड कर देना है। समझ आया बच्चों आपको एडिशन में एरर कैसे करना है कैलकुलेट, राइट? नोट करिए बच्चों आप। बच्चों एरर इन केस ऑफ एडिशन के बाद हम करने वाले हैं एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन, एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, दो क्वांटिटीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, उनकी अनसर्टिनिटीज के साथ क्या होगा? तो अगर हमें ये लगता है कि अगर हमें इसमें a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी इज 10 माइनस 5, और अनसर्टिनिटीज भी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.5 माइनस 0.5 तो ये आंसर आता है 5 प्लस माइनस अनसर्टिनिटी 0। दिस इज रॉन्ग। रीजन ये है आपके पास पहले ही दो अनसर्टेन वैल्यूज हैं, आप उन दोनों अनसर्टेन वैल्यूज को यूज करके जो आंसर निकालने वाले हो, एक नई क्वांटिटी निकालने वाले हो, वो आपके पास सर्टेन कैसे आ जाएगी? तो इसका मतलब आप अगर दो चीजों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो वैल्यूज का डिफरेंस करो लेकिन अनसर्टेनिटीज का डिफरेंस नहीं होगा, कभी भी अनसर्टेनिटीज सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, दो अनसर्टेन क्वांटिटीज को यूज करके एक सर्टेन वैल्यू कभी भी नहीं आ पाएगी, राइट? अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आपको एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, 10 में से 5 माइनस करना है, लेकिन 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 उनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है, उनकी अनसर्टेनिटीज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। 10 माइनस 5 5 आ गया प्लस माइनस 1, इसका मतलब अगर आप दोनों क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कम से कम वैल्यू 4 और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 6 आएगी। आप चाहो तो इन चारों वैल्यूज में से, इस वैल्यू में से इसको, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी देख सकते हो। एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ आया?
एडिशन में दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, उनके अनसर्टेनिटीज भी ऐड करनी है, सब्ट्रैक्शन में क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट करनी है बट उनकी अनसर्टेनिटीज हमें ऐड करनी है। राइट बच्चों, नोट करेंगे आप। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा उसमें क्या अनसर्टेनिटी आएगी। राइट, तो हमारा टॉपिक है एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के केस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उनमें एरर कैसे निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि x है a मल्टीप्लाइड बाय b। अब अगर a में बच्चों कुछ अनसर्टेनिटी है और b में भी कुछ अनसर्टेनिटी है तो जाहिर सी बात है x में भी अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी। x अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, फिर बी कॉमन लेते हैं इधर, बी कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। राइट, अब हम क्या करेंगे, x और ab उड़ा देंगे सिंस x की वैल्यू ab के बराबर थी। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b अपॉन b। 1 से 1 उड़ जाएगा बच्चों, 1 से 1 उड़ गया, ठीक है। और डेल्टा ए अपॉन ए एक स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा बी अपॉन बी भी एक स्मॉल वैल्यू होगी और दोनों स्मॉल वैल्यूज का प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर आप 0.1 और 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 आ जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो हम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं इनके कंपेरिजन में। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ये हमारा एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आ गया। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज हैं तो उनका प्रोडक्ट करने के बाद भी जो आंसर आएगा उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी, वो अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला लगाना है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। राइट, नोट करिए बच्चों आप। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों अब हम एरर इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं और उन क्वांटिटीज में कुछ अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ एरर्स हैं, तो उनके डिवीजन के बाद में जो आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। बस डेरिवेशन से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो हमारा एक टॉपिक है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या टॉपिक है बच्चों, अगर हमें 1 प्लस 0.01 का होल क्यूब निकालना है तो ये आएगा a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर सॉल्व करके आएगा 1 0.12345 1 प्लस 0.03 प्लस 3 इंटू 0.0001 सॉल्व करके आया ये आ गया आपका 1.030301 राइट बच्चों। अब इतना कलेश तो हमने कर दिया क्योंकि क्यूब करना था, यही अगर पावर 6 होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पहले क्यूब करते फिर उसका इसका अब स्क्वायर करना पड़ता, इसका तो इसका स्क्वायर करना काफ़ी कष्टदायक हो जाता। तो हमने एक अप्रॉक्सीमेशन बना रखी है, हमने उसमें क्या करा, हमने बोला 1 प्लस 0.01 का अगर हमें होल क्यूब निकालना है ना तो एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 1 प्लस 0.01 इंटू 3 के ही बराबर होगी, यानी ये वैल्यू 1 प्लस 0.03 के अंदाजन बराबर होगी। तो है ठीक है, ये वैल्यू 1.03 के अंदाजन बराबर है, ये वैल्यू काफी छोटी है बात की, राइट। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। टेक्निकल शब्दों में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है 1 प्लस x रेज टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx अगर x की वैल्यू छोटी है तब ही, इफ x इज स्मॉल। 1 प्लस x रेज टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx इफ वैल्यू ऑफ x इज स्मॉल, राइट। ये आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है और इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ती है एरर इन केस ऑफ डिवीजन डिराइव करने में। यहां पर ध्यान रखना है फॉर्म यही होनी चाहिए 1 प्लस x, 2 प्लस 3 नहीं होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, दैट समथिंग शुड बी वेरी स्मॉल। स्मॉल मीन्स फ्रैक्शन में होनी चाहिए, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना आंसर हमारा एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट मतलब उतना हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर एक्यूरेट आंसर के क्लोज होगा, राइट। नोट करिए बच्चों आप इसे। अब डिराइव करने जा रहे हैं बच्चों हम एरर इन केस ऑफ डिवीजन। x हमारा बराबर है a अपॉन b के, a में कुछ अनसर्टेनिटी है डेल्टा a, b में कुछ अनसर्टेनिटी है डेल्टा b, उसकी वजह से x में भी कुछ अनसर्टेनिटी आ गई डेल्टा x। x इज 1 प्लस x कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, डिवाइडेड बाय b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और बढ़िया बात यह है कि x जो है वो a by b के बराबर है, तो a by b पूरा x से कैंसिल हो गया सामने सामने, ये आ गया हमारा अब 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, रेसिप्रोकल लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर माइनस 1। आपको पता है कि डेल्टा b अपॉन b एक स्मॉल वैल्यू होगी, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन था हमारा कि भैया 1 प्लस x रेज टू द पावर n 1 प्लस x रेज टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx के बराबर होगा इफ x इज स्मॉल, अगर x की वैल्यू स्मॉल है तभी। इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है तो पावर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो क्या हो रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a 1 माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। देखो साइन बदल गया ना, माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b, ये दोनों ही वैल्यू छोटी हैं, डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, दोनों छोटी वैल्यूज हैं, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इतनी छोटी वैल्यू आ जाएगी कि वो हमारी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसे निग्लेक्ट कर दिया और सामने सामने वन उड़ा दिया, तो आ गया हमारा आंसर अब
प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, राइट। देखेंगे बच्चों आगे क्या हो रहा है। अब देखेंगे बच्चों क्या हो रहा है, तो एक बात सुनेंगे आप, प्लस माइनस टू माइनस प्लस थ्री, देखें क्या वैल्यूज आती हैं, या तो एक प्लस एक माइनस टू माइनस थ्री, और एक प्लस दूसरा भी प्लस, दोनों माइनस एक माइनस प्लस। अगर ये लिखा हो प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो क्या चार वैल्यूज आती हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस एक माइनस एक प्लस एक प्लस एक माइनस। तो इस केस में जो चार वैल्यूज आएंगी और इस केस में जो चार वैल्यूज आएंगी, चारों सेम होंगी। तो प्लस माइनस टू प्लस माइनस प्लस थ्री या प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है, मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भैया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी विल बी सेम एज प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। प्लस माइनस बाहर लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। तो एक बात बिल्कुल सर्टेन हो गई, वो सर्टेन ये हो गई कि एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम था। एरर्स ऐड हो रहे थे, चाहे क्वांटिटीज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। और एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम आया, चाहे क्वांटिटीज ऐड हो रही डिवाइड हो रही हूँ या मल्टीप्लाई हो रही हूँ, एरर का फॉर्मूला सेम रहेगा। बच्चों नोट करेंगे आप इसे।